हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मु आशा करबे आपण समस्त निश्चित भलरे थिबे। मु आज गोटे गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन टे आनियोछि। इंडियन एयरफोर्स तरफ रु समस्त पिलांग पई केते गुडे बहुत भल रिक्रूटमेंट आसीअछि। एथिरे 240 गोटे पोस्ट रहिछि। एथिरे दुई प्रकार एंट्री रो कैटेगरी रहिछि। जो प्रथम टे हला एफकैट एंट्री, अन्य टे हला एनसीसी स्पेशल एंट्री। चलंतु एबे एफकैट एंट्री रो जॉब गुडी को देखबा। एफकैट एंट्री रो जॉब गुडी को हला फ्लाइंग ब्रांच जोटा की 10 गोटी पोस्ट रही। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल जोटा की 130 गोट पोस्ट रही। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जोटा की 118 गोटी पोस्ट रही। एनसीसी स्पेशल एंट्री केवल फ्लाइंग ब्रांच 10 गोटी पोस्ट रही। आपण जदि प्लस टू पास कर प्लस थ्री पास कर बीटेक जदि पास कर पोस्ट गुड़िक एप्लाय करें। यही पोस्ट गुड़ी केवल ऑनलाइन माध्यम रे अप्लाई कर परबे। आपण जदि अप्लाई करबा को चाहुचंती तबे आपण ए वीडियो टू स्किप न करी पूरा वीडियो टू देखंतु। ए वीडियो टू लाइक करबा सो संग मानंकु ए वीडियो टू को शेयर करंतु। जदि आपण प्रथम थर करी आसुचंती तबे चैनल टू को एबे ही सब्सक्राइब करनंतु, जहा द्वारा आगो को आसुतवा बहुत गुड़े नुआ लेटेस्ट जॉब रो नोटिफिकेशन सब आपण को डेली बेसिस रे मिलि परबो। एथिरे आपण देखि पारथुबे इंडियन एयरफोर्स तरफ रु बहुत गुड़े पोस्ट आसी जोड़ा कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल आसी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट गुड़ आसी आपण जदि डिग्री हासिल करते आपण अप्लाय करेंगे। चलत देखा कौन कौन रही तार सब एपण देख नंबर ऑफ पोस्ट रही जोटा कि 241 गोटे पोस्ट रही जार शेष तारीख हूँ 30/12/2022। एथिरे ऑर्गेनाइजेशन टी कौन अच्छी ना इंडियन एयरफोर्स तरफ आसी अच्छी पोस्ट गुड़ी को क्यों माने अप्लाई कर पारे ना आमर ऑल इंडिया कैंडिडेट माने अप्लाई कर पारे। से आपण देखंतु ए पोस्ट गुड़ी को उभय महिला एवं पुरुष पिला माने अप्लाई कर पारे। चलंतु वैकेंसी विषय देखा। वैकेंसी होची एथिरे देखंतु एफकार्ट एंट्री रो जो रिक्रूटमेंट रही तार ब्रांच होची फ्लाइंग ब्रांच रे 10 गोटी पोस्ट आसी अच्छी। सेपरि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल 130 गोटी पोस्ट रही। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल 118 गोटी पोस्ट रही। एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग तरफ ब्रांच तरफ 10% सीट्स जोड़ा कि 10 गोटी पोस्ट आसी। चलते एजुकेशन क्वालिफिकेशन विषय देखा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक कार्ड जो टेस्ट आपको चाहते आपण प्लस टू साइंस थी सहित मैथ एवं फिजिक्स सब्जेक्ट थी पड़ो। ସେଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିନିମମ 50% ମାର୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଇଚ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ, ଯୋଉଟାକି ମ୍ୟାଥରେ 50% ଥିବାକୁ ପଡିବ, ଫିଜିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ 50% ଥିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଥିବ ଅର୍ ବି ଅର୍ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପିଜି ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ एज लिमिट विषय देखा। एज हूँ फ्लाइंग ब्रांच रो एज लिमिट हूँ मिनिमम हूँ 20 इयर्स, मैक्सिमम हूँ 24 इयर्स। आम देखा चलत ग्राउंड ड्यूटी रो एज लिमिट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल हो किंबा नॉन टेक्निकल ब्रांच हो मिनिमम एज हूँ 20 इयर्स, मैक्सिमम हूँ 26 इयर्स। एवं देखो सैलरी जोटा कि आप जदि ए पोस्ट सिलेक्ट होती आपन को 56,100 टकर आरंभ कर 1,10,700 टाँग मिल। ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଲୋଏନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏଲୋଏନ୍ସ ଆପଣ ଅଛି, ଏଚ୍ଆର୍ ଅଛି, ସେସବୁ ଆପଣ ମିଳିପାରିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କ'ଣ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କିପରି ନା ଅନଲାଇନ୍ ଗେଟ୍ୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆମେ ଯାଇକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟା ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା କିପରି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କିପରି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଏଫକାର୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଏୟାରଫୋର୍ସ କମନ୍ ଆଡମିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ NDA CDSE ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହେଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କେବେ ବାହାରୁଛି ନା ଏଫକାର୍ଟର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବାହାରିବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ବାହାରୁଛି, ଜୁନ୍ ମାସରେ ବାହାରିବ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟେଷ୍ଟ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି।
एनसीसी सीनियर डिविजन सी सर्टिफिकेट जो अच्छी आपड़ एनसीसी स्पेशल एंट्री थ्रू ऑनलाइन रे करि परबे। देखंतो स्टेप टू कौन ना एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड टेस्टिंग अच्छी जोटा कि सेकंड स्टेप अटे एदी आप स्टेप वन क्लीयर करदेव आपण कॉल लेटर मिलिबो जोटा कि स्टेप टू पे आपण प्रिपेयर हवा पड़ो। स्टेप टू पे आपण देहरादून किंबा वाराणसी किंबा गांधीनगर किंबा मैसूर जवाब पड़ो एवं सेथिरे ए स्टेप टू टी आपण को टेस्ट दबा पड़ो। ए स्टेप रे कौन कौन रही स्टेज वन टेस्टिंग अच्छी स्टेज टू टेस्टिंग अच्छी चलन देखे स्टेज वन टेस्टिंग कौन। स्टेज वन टेस्टिंग रे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट रही आउ गोटे हूँ पिक्चर प्रिसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट रही है। दुईट टेस्ट हम स्टेज वन टेस्टिंग रे आप स्टेज वन टेस्टिंग जब कम्प्लीट करदे स्टेज टू टेस्टिंग को आप जापर एखु स्टेज टू टेस्टिंग टा 4-5 दिन लगे। एथेरे देखंतु एथेरे साइकोलॉजिकल टेस्ट अच्छी जोटा कि रिटन टेस्ट माध्यम करा जीवो एटा किए कंडक्ट करियो ना साइकोलॉजिस्ट माने कंडक्ट करिवे। एथेरे ग्रुप टेस्ट मध्ये अच्छी इंडोर एवं आउटडोर एक्टिविटी द्वारा ही ए टेस्ट की परिचालना करा जीवो। तापर इंटरव्यू रही एथेरे सिलेक्शन बोर्ड रो इंटरव्यू जो ऑफिसर अछि तांको सेमाने आपनको इंटरव्यू करिवे एवं इंटरव्यू टा पर्सनल कन्वर्सेशन साधारण कथबार्ता करके इंटरव्यू टी करा जीवो। एथेरे देखंतु जो माने फ्लाइंग ब्रांच पे अप्लाई करिवे सेमानको ए टेस्ट दबा पड़ो कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन टेस्ट दबा पड़ो जोटा कि 5th दिन रही। सेकंड स्टेप होला एबे थर्ड स्टेप होची मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। आपण जदि स्टेज वन स्टेज टू क्लीयर कले ताले आपण नेक्स्ट स्टेप होची मेडिकल एग्जामिनेशन हबो कोठे हबो ना आपण एथे देख पड़ते एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट न्यू दिल्ली किंबा इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन बेंगलोर एही दुईटी सेंटर रे आपण मेडिकल एग्जामिनेशन हबो जोटा कि थर्ड स्टेप अटे। फोर्थ स्टेप होची ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बाहर जोटा कि आप रिटन टेस्ट आउ जो एएफएस जो इंटरव्यू देती तहार आउ जो मेडिकल रे आपनर जो फिटनेस ए तीन टा जाक मिसिकी मेरिट लिस्ट बाहर कराव। आउ जदि आपनर मेरिट आपनर अच्छी वैकेंसी अच्छी ताले आपनको सिलेक्ट कर दिया जीवो। सिलेक्ट कला पर आपनको ट्रेनिंग पे पठाई दिया जीवो। ट्रेनिंग सरला पर आपन चकेटी पाई परबे। एथिरे देखंतु अप्लाई ऑनलाइन रो स्टार्टिंग डेट होची 1/12/2022 एवं लास्ट डेट होची अप्लाई करियार ऑनलाइन डेट होची 30/12/2022। चलंतु एबे नोटिफिकेशन दे देखिवा किपर रहची नोटिफिकेशन दे ना appcat.cdse.in साइट को जिबे सेटा ओपन करबे। एथिरे करियर सेक्शन अछि करियर सेक्शन सिलेक्ट करिये तापर आपण स्टेप बाय स्टेप आपण देखि परबे। एथिरे देखंतु करियर सेक्शन को क्लिक करबे कलापर आपण एथिरे देखंतु फ्लाइंग ब्रांच जोटा कि फाइटर ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर ए ब्रांच रे इंक्लूड कराई सेपरी एपटे देखंतु ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच रे कौन कौन रही ना मेकानिकल रही इलेक्ट्रोनिक्स रही सेपरी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच रे वेपन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स लॉजिस्टिक एजुकेशन मेट्रोलोजी एपरी ब्रांच गुड़िक रही। एथिरे आपण सिलेक्शन आपण देखंतु पे आपण दरमा केते मिल पारिबो एथिरे देछि एथिरे देख पारथबे सैलरी रही एथिरे देखंतु पे एंड पे बैंड कॉमन टू ऑल ब्रांच सबो ब्रांच पे 56,100 आपण मासिक मिलिबो एवं सेगुड़ आपण देखंतु लेवल 10 स्केल ऑफ पे अटे एटा जोटा कि इंक्रीमेंट 56,100 स्टार्ट हम आरंभ कर 1,10,700 पर्यंत आपण सैलरी मिल पार। ता सहित अदर एलायंस मध्ये रही जोटा कि ट्रांसपोर्ट एलायंस चिल्ड्रेन एजुकेशन एलायंस एचआर ए सब गुड़िक इनक्लूड कर देखो। ता सहित बहुत गुडा बेनिफिट मध्ये रही इन्सुरांस कवर भी अच्छी जोटा कि लोन भी नहीं पारे हाउस बिल्डिंग लोन कंप्यूटर लोन कन्वेन्स लोन सब गुड़िक लोन आकार नहीं पारे। मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी जोटा कि एकोमोडेसन लिव ट्रावेल स्कूल फैसिलिटी रेल कंस्ट्रक्शन सिक्योर सीएचडी फैसिलिटी बहुत गुड़े अच्छी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी रही पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन देखिए पेंशन आपरिवे इन्सुरांस मेडिकल बहुत गुड़े फैसिलिटी रही। एवं चलते सिलेक्शन टा देखा सिलेक्शन प्रोसेस टा किप रही सिलेक्शन प्रोसेस होते देखो स्टेप वन जोटा कि रेस्पॉन्ड टू एडवर्टाइजमेंट फॉलोड बाय रिटन टेस्ट हम
रिटर्न टेस्टा आप देखिपे एयरफोर्स कमन एडमिशन टेस्ट मुझा अलरेडी कही सारी आप दुई थर हम वर्ष को जो फेब्रुआरी एवं अगस्त मास एडवर्टाइजमेंट के बाहर ना जून रे बाहर एवं डिसेंबर रे मध्ये बाहर टेस्ट इज कंडक्ट ऑल अक्रॉस इंडिया रो सब जगह रे टेस्ट हो पार एनसीसी एंट्री अच्छी जोटा कि जो मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर अच्छा से मैंने ऑनलाइन करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करके एनसीसी स्पेशल एंट्री रे जोग दे पार चल स्टेप टू हूँ स्टेप टू रे कौन अच्छी ना एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड टेस्टिंग जोटा कि स्टेज वन स्टेज टू यहपर दुईट स्टेज अच्छी फर्स्ट स्टेज कौन अच्छी ना ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट सेकेंड हूँ पिक्चर प्रिसीजन डिस्कशन टेस्ट दुईट टेस्ट हम स्टेज वन जी आप स्टेज वन क्लीयर कले आप स्टेज टू को जापर स्टेज टू रे कौन टेस्टिंग रही ना साइकोलॉजिकल टेस्ट रही जोटा कि रिटर्न लेखा माध्यम आप साइकोलॉजी टेस्ट हो तापर ग्रुप टेस्ट रही जोटा कि इंडोर एवं आउटडोर एक्टिविटी करा जीवो जोटा कि ग्रुप टेस्ट रे इंक्लूड कराई तापर इंटरव्यू हम इंटरव्यू ऑफिसर द्वारा इंटरव्यू हम जदि आप टेस्ट क्लीयर कले थर्ड स्टेप को जी जोटा मेडिकल एग्जामिनेशन हम मेडिकल एग्जामिनेशन कौट हम ना न्यू दिल्ली हो पारे कि बेंगलोर हो पारे ये सब है आप गोटे मेरिट लिस्ट बाहर करा जोटा कि आप कंडक्ट कराई रिटर्न टेस्ट एवं इंटरव्यू एवं मेडिकल टेस्ट सब मार्क अनुसार गोटे फाइनल टेस्ट करा जोटा कि जिते रिक्रुटमेंट अनुसार मेरिट से पाइपर जो मैंने मेरीट सिलेक्शन हे जदि पोस्ट अच्छी रिक्रुटमेंट पोस्ट अच्छी तेल मेरीट बेसीस रहा सिलेक्शन विषय चलतु आप लॉगिन करिए देखु आप कैंडिडेट लॉगिन रही एडवर्टाइजमेंट रही एक दुई हजार तेईस आम जावा एक दुई हजार तेईस एडवर्टाइजमेंट नंबर टे यू क्लिक करेंगे एथेरे देखु आपड़ी अलरेडी केवे करते आप इमेल आई डी एपर आम लॉगिन करें जदि नुआ कर रजिस्टर्ड हियर अच्छी यू क्लिक करेंगे क्लिक कला आपठ नेम देवे नाम देवे फादर्स नेम देवे मदर्स नेम देवे आप इमेल आई डी देवे सिटीजन इंडियन देवे मोबाइल नंबर देवे तापरे जेनरेट ओटीपी करिए जोटा कि ईमेल को आसो ओटीपी टा आउ एसएमएस को आसो जदि आप ओटीपी टा देबे देला पर कैप्चा कोड देबे करिके साइन अप करिए साइन अप कला पर आप नेक्स्ट स्टेप जीवो जोटा कि नेक्स्ट स्टेप रे आप जेरेक्स कॉपी सब रखिथिबे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रो जेरेक्स कॉपी से गुड़िक आपको अपलोड करा पड़ो रिसेंट पासपोर्ट रखिथिबे आउ सिग्नेचर को स्कैन करथिबे से सबुर दरकार पड़ो से गुड़ नहीं अपलोड करेंगे अपलोड कला फाइनल स्टेप हूँ आप सबमिट करेंगे।